छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है और कई जगह पर धान खरीदी प्रभावित भी हुई है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य में सुलह का रास्ता निकलता दिख रहा है। पिछले हफ्ते भर में घटनाक्रम बदला भी है, केंद्र और राज्य के बीच बर्फ पिघलती भी दिख रही है, लेकिन राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग थमती नहीं दिख रही है। पहले पिछले हफ्ते भर के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। राज्य सरकार ने केंद्र पर धान उठाव की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं पर साजिश का आरोप लगाया। उधर बीजेपी ने मांगा केंद्र के दिए 9000 करोड़ का हिसाब। कांग्रेस ने केंद्र के धान नहीं उठाने पर बीजेपी सांसदों के निवास के घेराव का ऐलान भी किया। राज्य की मांग पर केंद्र ने 24 लाख मेट्रिक टन धान उठाव की अनुमति दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान उठाव की अनुमति पर केंद्र को धन्यवाद दिया। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि धान उठाव को लेकर केंद्र और राज्य के बीच विवाद खत्म होने के आसार हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी दिग्गज नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए एक बार फिर बीजेपी और केंद्र को आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के 9 सांसदों ने केंद्र सरकार को गुमराह कर छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहे प्रति एकड़ 10,000 की सहायता राशि को बोनस बताकर सेंट्रल पूल में लेने वाले पूल के चावल पूर्व में दी गई 60 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटा को कम कर 24 लाख मीट्रिक टन किया गया। भाजपा का छत्तीसगढ़ के किसान विरोधी और भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र इससे साफ जाहिर हो रहा है। उधर बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सामने आए, उन्होंने राज्य सरकार पर बहानेबाजी कर धान खरीदी से बचने का आरोप लगा दिया। रमन सिंह ने यह भी कहा कि बारदाना नहीं होने की वजह से धान खरीदी प्रभावित है, जिसका ठीकरा केंद्र पर फोड़ा जा रहा है। 10 साल पहले लिया जा चुका है, उसके भी क्रियान्वयन नहीं कर रहे और पूरी सोसाइटी को जानबूझकर ये ब्लॉक कर रहे हैं। बारदाना खरीदी के लिए केंद्र सरकार को ये हर बात अच्छा है तो भूपेश सरकार, और ठीक नहीं हो रहा है तो केंद्र सरकार को। इस प्रकार की राजनीति किसी राज्य और किसी केंद्र के बीच में नहीं देखा। इतने उथला आरोप लगाने, बारदाना नहीं खरीद पा रहे हो भाई, बारदाना खरीद नहीं, किसे आज किसान सबसे ज़्यादा संकट में है। किसान जितना रो रहा है इस धान खरीदी में, रोज़ रोज के नए नाटक से, ये किसान उसको याद रखेगा, भूलने वाला नहीं है किसान की तुम बहानेबाजी करके इधर उधर की बात करके किसान को भका रहे हो। फिलहाल किसान के मुद्दे पर केंद्र और राज्य समस्याएं सुलझाने में लगे हैं। पत्र व्यवहार से खींचतान का पटाक्षेप होता दिख रहा है। इन सब के बावजूद किसान पर राजनीति खत्म होती नहीं दिख रही है। बीजेपी चुप होती है तो कांग्रेस शुरू हो जाती है और धान खरीदी में देरी के लिए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का सिलसिला जारी है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। धान को लेकर वाकई सियासत इस वक्त चरम पर हो रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों इस मामले को लेकर लगातार आमने सामने है। तो वाकई सवाल यही कि यहाँ धान के खेत में सियासी फसल इस वक्त उगाने की तैयारी हो रही है, क्या वाकई यहाँ पर अब सियासत होने लगी है? सियासत हो रही है तो कौन कर रहा है और क्या गलतियाँ हैं, किसकी तरफ से आखिरकार रुकावट आ रही है? पिछले कुछ दिनों में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। राज्य ने केंद्र के ऊपर आरोप लगाया कि राजीव गांधी न्याय योजना की पूछताछ की जा रही है, या बारदानों को लेकर जो दिक्कत आ रही है केंद्र सरकार मामले को अटकाने की कोशिश कर रही है, एफसीआई को धान उठाव की अनुमति नहीं दी गई इस मामले पे। तो बहुत सारे सवाल उठे। भाजपा ने कहा कि क्या आपने हमसे पूछकर या केंद्र सरकार से पूछकर ये घोषणा पत्र में इस बात को कहा था? भाजपा ने कहा कि हमने कोई रोड़ा नहीं अटकाया, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से सियासत इस वक्त चल रही है और हल क्या होगा, किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ेगा, ये अब तक किसी की समझ में नहीं आ रहा है। चर्चा इसी पर होगी कि आखिरकार क्या अब सियासत इस पे होने लगी और लोग सियासत को भुनाने की कोशिश करने लगे हैं इस पूरे मुद्दे को। खास मेहमान हमारे साथ हैं, धनंजय जी हमारे साथ कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। हमारे साथ मुकेश जी भी जुड़ेंगे भाजपा से, और बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आप सभी का करता हूँ। बाबूलाल जी से मैं शुरुआत करूँगा। बाबूलाल जी, पूरा घटनाक्रम आपने देखा और लगातार देख रहे हैं, क्या वाकई अब इसको भुनाने की कोशिश होने लगी है,
इस पूरे मसले पर कौन माइलेज लेता है, कौन बड़ा हितैषी बनता है, या दिक्कतें क्या है, आपका क्या आकलन है? देखिए, दरअसल मुद्दा जो है वो बिंदु पे ये है, ये असली बिंदु ये है कि भूपेश बघेल ने कहा था कि मैं 2500 रुपए में धान खरीदूंगा किसान से, किसान के जेब में 2500 रुपए में डालूंगा एक क्विंटल धान के बदले, और वो साम दाम दंड भेद कई अड़चने आने के बाद भी वो किसानों के जेब तक 2500 रुपए पहुंचाने का जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं उसी की अड़चने पैदा हो रही है। ये राजनीति है, सीधी सीधी राजनीति के हिसाब से ये अड़चन डालने से कम ये स्थिति बनेगी कि 2500 रुपए में धान अगर ये उपेश बघेल नहीं खरीद पाएंगे, या परेशानियां होंगी या अड़चने होंगी या भुगतान करने में दिक्कत होगी, खरीदी में दिक्कत होगी, कारण बारदाने बने चाहे कुछ भी बने, सोसाइटी में जाम होगा, बदनामी होगी। ये रणनीति मुझे दिखती है भारतीय जनता पार्टी की, और निश्चित रूप से विपक्षी दल इसी तरह की रणनीति बनाते हैं कि जिस कारण से वर्तमान सरकार की उपलब्धियां दिखें, वर्तमान सरकार का नाम हो, उस नाम को कैसे मिटाया जाए, ये विपक्ष का काम ही होता है। और जिस तरह की अड़चने बताई जा रही हैं वो निश्चित रूप से जो है ये 2500 रुपए वाला मसला है, और वो बोनस दिए जाने की बात जो है, जो अभी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ के सांसद और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने गलत बयानी करके वहाँ ये जमा दिया लोगों के दिमाग में, वहाँ के नेताओं के दिमाग में, हाईकमान में, कि ये बोनस दे रहे हैं, तो वो उसकी क्लेरिफिकेशन स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह आप किसानों को सीधे 6000 रुपए पैकेट में दे रहे हैं, वैसे ही हम भी इस तरह से दे रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुल मिलाकर के जो है भूपेश बघेल जो ने जो वादा किया था कि 2500 रुपए मैं आपको दूंगा, तो वो 2500 रुपए वो दे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है इस तरीके से। और वो ये रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है ना दे पाए, और इसी में सियासत यहाँ पर हो रही है, और यही वजह है कि जैसा आपने कहा कि मामला अटकाया जा रहा है। मुकेश जी, घोषणा पत्र में जो राज्य सरकार ने कहा था उसे देने की कोशिश हो रही है, और उस कोशिश के बीच में ये राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर जो इंक्वायरी आई है, इसे एक रोड़ा अटकाने के तौर पर देखा जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस बात की फीडबैक दी है, मुख्यमंत्री ने रमन सिंह जी का भी नाम लिया है, कि गलत बयानी, गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करके इस पूरे मामले को अटकाने की, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। देखिए अभिषेक जी, बाबूलाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कारण 2500 रुपए धान खरीदी नहीं हो पा रही है, ये बात नहीं है। और 2500 रुपए में क्या धान खरीदी हो गई है? पिछले साल का पैसा 2500 रुपया किसान को मिल गया है, यदि मिल गया होता तो फिर कोई बात नहीं थी। दूसरा, ये सारे एपिसोड में जो दिक्कत आ रही है वो सबसे बड़ा है, वो कुप्रबंधन है। ये पिछले साल के 24 लाख मीट्रिक टन धान को एफसीआई में शिफ्ट नहीं कर पाए, अभी भी ये संग्रहण केंद्र में धान को शिफ्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए मंडियों में धान का ढेर लग रहा है। तो ये सब पूरा मामला एक तरफ से कुप्रबंधन का दिख रहा है। अब चूंकि कुप्रबंधन के कारण अव्यवस्था बन गई है, तो अपने गलती को छिपाने के लिए और किसानों के बीच में अच्छा बनने के लिए ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बात डालते हैं। तो निश्चित रूप से यदि किसानों को दिक्कत आएगी, यदि आपने वादे किसानों के किए हैं और वो पूरा नहीं होता है, तो हम सशक्त विपक्ष की भूमिका में आवाज तो उठाएंगे और सड़क से सदन तक उठाएंगे। तो यदि आपने वादा किया, क्या वादा इसलिए कर दिया था कि सिर्फ जो है चुनाव जीतना है, उसके बाद उसके ऊपर में कोई एक्सरसाइज हुआ नहीं है कि वास्तव में 2500 रुपया कैसे दिया जाएगा, कहां से लिया जाएगा? अरे बाहर दाने कहां, तो एक तरफ ये कहते थे कि हमारी सरकार आई तो दाने दाने धान खरीदेंगे, अरे दाने दाने को तो छोड़िए, बाहर दाने में आके उलझ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी है सरकार की, और सरकार को इसको दुरुस्त करना चाहिए। धनंजय जी, धान खरीदी को व्यवस्थित करने के बजाय और उलझ गए हैं इसमें। धनंजय जी, भाजपा की सफाई यहाँ पर ये है, या इसे आरोप कहा जाए कि आप लोग मिसमैनेजमेंट कर रहे थे, और उस मिसमैनेजमेंट की वजह से जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, केंद्र या भाजपा के सर फोड़ रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि विपक्षी रणनीति होती है कि राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों पर अरंगा लगाना।
मैं थोड़े से सुधार के कहूंगा, ये रणनीति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। छत्तीसगढ़ के किसानों के खिलाफ भाजपा के नेता षड्यंत्र कर रहे हैं और यही षड्यंत्र का कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में धान उत्पन्न हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण आपको बताना चाहूंगा, पहले मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी शपथ लेते हैं, किसानों का कर्ज माफ करते हैं और उसी वर्ष हम किसानों की धान को 2500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदते हैं और किसानों के खाता में एकमुश्त रकम 2500 रुपए जाता है, तब कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता एक और षड्यंत्र करते हैं और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार के साथ मिलकर केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग कर जो सेंट्रल पूल में चावल लेने की संघीय व्यवस्था है उसमें नियम शर्त लगाया जाता है कि आप अगर समर्थन मूल्य से 1865 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा आप देते हैं बोनस के नाम से तो सेंट्रल पूल में आपके राज्य का चावल नहीं लिया जाएगा। हमने छत्तीसगढ़ किसानों को कमिटमेंट किया है, हम 2500 रुपए आपको देंगे, 1865 के अलावा जो भी अतिरिक्त राशि बनती है वो हमको देंगे। हमने राजीव गांधी किसान योजना शुरू की और उसके माध्यम से किसानों को, धान उत्पादक किसान, मक्का उत्पादक किसान और गन्ना उत्पादक किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का वो भी षड्यंत्र समाप्त हो जाता है कि वो लगातार षड्यंत्र कर रहे थे। अब जब तीसरे बार हम धान खरीदने गए, चूंकि एक जूट मिल की व्यवस्था है, जूट कलेक्टर जो होता है वो हर राज्य को जूट के बोरे उपलब्ध कराते हैं, हमने कहा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए जो हर साल बोरा मिलता है हमको इस बार 3.5 लाख गठान बोरा चाहिए, और अक्टूबर में हमको पत्र लिख के कहा जाता है कि आपकी मांगी गई बोरा हम नहीं दे पाएंगे। ये भी एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा गया। उसके बाद हमने कहा कि हमको प्लास्टिक बोरा में धान खरीदने की अनुमति प्रदान कीजिए, उसमें भी मना कर दिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसके बावजूद जब भाजपा का षड्यंत्र विफल होते देखा और राज्य में अब तक 13 लाख किसानों से हम 55 लाख मिट्टी टन धान खरीद चुके हैं, ऐसे में एक बार भाजपा नेताओं को और लगा कि ये राज्य सरकार अपने वादा को पूरा कर रही है, कैसे भी वो धान उत्पन्न कर हम नहीं पा रही है, तब जाके आज देखेंगे 60 लाख मिट्टी टन जो चावल लेने का कमिटमेंट हुआ था, सैद्धांतिक समझौता हुआ था, उसमें कटौती करके 24 लाख मिट्टी टन चावल लेने का जो अनुमति प्रदान किया गया है, इसमें डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के 9 सांसद और भाजपा नेताओं का ही षड्यंत्र है। ये छत्तीसगढ़ के किसान विरोधी पार्टी है। मुकेश जी, कांग्रेस बार बार कहती रही है कि आप लोग षड्यंत्र करते हैं या इस मामले में अटकाते हैं या केंद्र तक केंद्र को मिसगाइड किया जाता है, गलतफहमी पैदा की जाती है, आप लोग समर्थन में साथ नहीं आते। हाल ही में FCI की बात आई, जब चावल उठाव की बात हुई तो कहा गया कि सांसद साथ दें या चिट्ठी लिखें। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में आप क्या मानते हैं, इस बात को जानते हैं कि किसानों को दिक्कतें हो रही हैं, किसानों को परेशानियां हो रही हैं, और अगर हो रही है तो विपक्ष के नाते आप लोगों को क्या लगता है कैसे समाधान निकाला जाए? फिलहाल तो आप लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ सजेशन, कुछ सुझाव भी आप लोगों के पास है? देखिए अभिषेक जी, ये बड़ा हास्यास्पद बात है कि सरकार इनका, प्रशासन इनका, शासन इनका, और धान खरीदी में अव्यवस्था बनती है तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र। अरे ये क्या, ये कोई समझ वाली बात है भाई? यदि आप व्यवस्था की होते, सबसे बड़ा मैं आप फिर बोल रहा हूँ, ये सारा चीज जो आया है, जो सामने घटनाक्रम आ रही है, वो इनके कुप्रबंधन का कारण है, इसको ये स्वीकार करें और देखें कि भाई किसकी जिम्मेदारी थी, किसने कोताही बरती जिसके कारण आज ये बारदाने की जो कमी आई। कुप्रबंधन आप इसका जिक्र कर रहे हैं, तो बारदाने की कमी में किस प्रकार का कुप्रबंधन देखते हैं, या FCI ने जो चावल नहीं उठाने की बात कही उसमें आप किस प्रकार कुप्रबंधन देखते हैं? प्रश्न ही नहीं उठता। पहली बात एक है कि हमने क्या यहाँ का बारदाना रोक दिया? पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान भी है, यहाँ खाली बारदाने का दिक्कत होता है। इसका मतलब सरकार को ये मालूम नहीं है कि धान खरीदी करना है तो बारदाना कब खरीदने चाहिए, ये धान खरीदी के बाद। अच्छा ये चीज बताएं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, नवंबर में धान कटाई के साथ में धान खरीदी शुरू हो जाती है, ऐसा क्या हो जाता है कि कांग्रेस की सरकार आती है और दिसंबर में धान खरीदी शुरू करते हैं? तो कहीं ना कहीं नीति और नियत में कमी है, कमजोरी है, आप उसको स्वीकार करें, उसको दुरुस्त करें, ये सब हल निकल जाएगा, लेकिन उनको ये करना नहीं है। FCI में खाली भारतीय जनता पार्टी को दोष देके FCI ने जो धान उठाने से इनकार किया उसका भी दोषारोपण आप पर है, FCI ने जो धान उठाने से इनकार किया उसका भी दोष आप लोगों पर है। अभिषेक जी, 22 लाख मीट्रिक टन तो इनको PDS के लिए चाहिए,
ये तो पहले अभी धान खरीदी किए हैं उनके लिए अलग करें तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सब करने की। धान को संग्रहण केंद्र में भेजें वो तो करते नहीं है, और ये बोलते हैं कि धान अब मंडी में इकट्ठा हो गया। तो आप व्यवस्था के तहत जो सिस्टम बनाए उसी को बिगाड़ दोगे, जो 10-15 साल से सिस्टम हमने बनाया था उसी को ध्वस्त कर दोगे, तो फिर ये अव्यवस्था बनेगी। तो आपने वो किया नहीं है, सिस्टम की बात बार बार भाजपा बोल रही है कि आप लोगों ने सिस्टम नहीं बनाया और जो पुराना सिस्टम था वो ध्वस्त किया। वो किस तरीके से ध्वस्त किया, क्या दिक्कत है? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे झूठ बोलते हैं आपको थोड़ा सा समझना होगा। बारदाना की आपूर्ति करने में अक्षमता का पत्र केंद्र की जूट मिल कमिश्नर भेजते हैं राज्य सरकार को कि हम आपको मांगी गई बारदाना की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अब ये कांग्रेस के राज्य सरकार का कुप्रधान है कि नरेंद्र मोदी सरकार का कुप्रधान है कि एक राज्य सरकार के मांगे गए बारदाना को आपूर्ति करने में अक्षमता अपने आप को बता रहे हैं। दूसरी बात, FCI में चावल लेने के इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, इनके प्रभारी भी आके झूठा आरोप लगाए हैं। पिछले बार 28 लाख मीट्रिक टन चावल हमको FCI में उसना देना था, हमने 26 लाख मीट्रिक टन चावल दे दिया। 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी, हमको 2 लाख मीट्रिक टन चावल उसमें और देना जो तैयार पड़ी हुई है, और राज्य सरकार पत्राचार की उसमें उन्होंने आश्वासन दिया तारीख बढ़ाने का। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी लोग झूठ बोल रहे हैं। इनके प्रभारी छत्तीसगढ़ आके बोलते हैं कि केंद्र सरकार 9,000 करोड़ रुपए दी है। अरे जो केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के GST का पैसा, GST की क्षतिपूर्ति की राशि का पैसा अदायगी नहीं कर पा रही है, वो धान खरीदी के लिए 9,000 करोड़ रुपए कैसे देगी? वो 9,000 करोड़ का जिन्होंने जिक्र कर रहे हैं, असल में 9,000 करोड़ नहीं है, वो 9,500 करोड़ है, और वो मार्केट ने लोन लिया हुआ है छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए और एक बैंक के माध्यम से, और वो आगे जाके 16,000 करोड़ होगा जो हर बरस होता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि भाजपा के प्रभारी से लेकर भाजपा के प्रवक्ता तक कैसे झूठ बोलते हैं। केंद्र सरकार का भी इसमें 1 रुपए का अंशदान नहीं है, और FCI की व्यवस्थाएं तो केंद्र सरकार के द्वारा होती है। तो लगातार झूठ बोलने का, हम अभी सोचते हैं कि हम कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये भूल जा रहे हैं कि ये कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के 40 लाख किसानों के खिलाफ षड्यंत्र। डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, भाजपा के 9 सांसद और भाजपा के 14 विधायक कर रहे हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये किसानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ जो सहयोग मिल रहा है, इसके खिलाफ षड्यंत्र करने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये किसान विरोधी चरित्र है इनका। बाबूलाल जी, कुछ दिक्कतें जो शुरुआत से आई है बारदाने को लेकर, तब कहा गया कि कोरोना की वजह से मिल में उत्पादन नहीं हो पाया, फिर FCI को लेकर FCI ने जब उठाओ से मना किया, ये जो दिक्कतें लगातार आती रही, दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। किसानों को दिक्कतें निश्चित रूप से हो रही हैं, खरीदी बंद होने की भी कई जगह नौबत है। किसान के जहन में या उनके दिमाग में किस तरीके की बातें इस वक्त आ रही होंगी, क्या वो पूरी बातों को समझ पा रहा होगा क्या दिक्कत है, या वो भी कंफ्यूज होगा दोनों ही दलों के आरोप प्रत्यारोप देखकर? देखिए, दोनों की बातें मैंने सुनी, दोनों अपनी अपनी जगह अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन जो जनता के बीच या किसान के बीच जो एक पिक्चर जा रही है, एक दृश्य जा रहा है, वो ये है कि केंद्र सरकार ने चावल उठाने की अनुमति नहीं दी। चावल नहीं उठेगा तो राइस मिल में चावल जाम होगा, तो राइस मिल जो है वो धान उठाएगा नहीं मिलिंग के लिए, तो धान मंडी में जाम होगा, सोसाइटी में जाम होगा, सोसाइटी में जाम होगा तो खरीदी बंद होगी। तो ये एक रणनीति को आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं बाधा अगर पहुंचानी है तो यही तरीका होता है, एक चीज। दूसरी चीज, डॉक्टर रमन सिंह ने एक बात कही जिसका जवाब धनंजय ठाकुर को देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने 35 लाख मीट्रिक टन धान रखने के लिए संग्रहण केंद्र बनाए हैं, उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, ये जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, धनंजय ठाकुर दे पाएंगे। और निश्चित रूप से जो है अड़चने तो है, क्यों अनुमति नहीं दी? किसान भी ये सोच रहा है कि अनुमति क्यों नहीं दी गई चावल उठाने के लिए, अनुमति से रोक क्यों, और अब 24 लाख टन खरीदने की अनुमति, उठाने की अनुमति क्यों दे दी? FCI में जो धान जमा नहीं हो पाया, जो हिस्सा बचा है, क्या उसे टेक्निकल एक रीजन बताकर यहाँ पर रोकने की कोशिश हुई, ऐसा मानते हैं? जी बिल्कुल ठीक, वैसी बोल रहा हूँ मैं कि अब 24 लाख टन का आपने कितने दिन बाद दे दिया, ज्यादा नहीं हुआ ना, तो इतने दिन जो डिस्टर्बेंस हुआ उससे किसानों के बीच में बदनामी होगी सरकार की, ये सोच राजनीति में होना कोई बड़ी बात नहीं है विपक्ष की तरफ से। वो जब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस अध्यक्ष ये थे भूपेश बघेल, तब वो भी इसी तरह की आरोप जो है इस तरफ रमन सिंह सरकार पर लगाया करते थे ताकि इनकी इतनी बदनामी हो इस किसान के सामने, वही स्थिति है। तो ये जरूर है कि भाई क्यों अनुमति नहीं दी, और अब कैसे क्यों अनुमति दे दी, कोई खास अड़चन नहीं थी। हमने सोचा था
किसान न्याय योजना जो है, राजीव किसान न्याय योजना जो है, उसकी जो प्रारूप बुलाया था केंद्र ने, तो वो सकारात्मक सोच के साथ बुलाया था, किसान आंदोलन के लिए बुलाया होगा ऐसा हमने सोचा था, लेकिन ये नकारात्मक था, किसी ने एक फीडिंग किया था सभी की थी कि इसमें जो है इसके माध्यम से बोनस दिया जा रहा है, और 2500 रुपए धान खरीदी अगर होती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी को खड़े होने का मौका ज्यादा दिक्कत होगी, ये इसमें राजनीति हो सकती है, ये भ्रम पैदा हुआ है। एक सवाल मैं और भी यहाँ पर पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक डिबेट में ये बात सामने आई थी कि कांग्रेस ने कहा था कि यहाँ के नेताओं की चलती नहीं है, खासकर डॉक्टर रमन सिंह की तो पूछी पर रखनी है केंद्र में, ऐसे में क्या फीड अगर ये फीडबैक कुछ देते तो वहाँ सुनी जाती होगी? अभी आपने देखा होगा यहाँ का प्रभारी भी बदला है, और यहाँ पे ये बाबूलाल जी से पूछ संभालने वाले हैं, निश्चित रूप से रणनीतियां बदलेंगी, बातें बदलेगी, परिदृश्य बदलेगा, और भारतीय जनता पार्टी को आप आगे देखेंगे इससे ज्यादा आक्रामक होगी, और आक्रामकता इतनी बढ़ती जाएगी, और अभी निर्देश जो मिले हैं यहाँ पे कि आप लोग अपने कमरे को छोड़िए, ये केबिन में बैठ के राजनीति करना बंद कर दीजिए, सीधे फील्ड पे जाइए और घर घर जाकर के संपर्क कीजिए, हमेशा लोगों के संपर्क में रहिए और बातों को अपनी बताइए, ये जो निर्देश इनको मिले हैं ये बदले हुए प्रदेश का नतीजा है, जो पुरेंद्र सिंह जी आई हैं और सुधांश सिंह जी की जगह जो दूसरे आए हैं वो इस बात को। बाबूलाल जी एक सवाल और इससे, आपने कहा कि किसानों के बीच मैसेज जा रहा है कि केंद्र सरकार ने मामला अटका दिया, धान उठाव नहीं हो रहा, तो क्या ये पासा उल्टा भी पड़ता दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वही स्थिति बनेगी, आप देखिए तो सही, आगे आगे देखिए, अभी तो ये बन रही कि केंद्र सरकार ने धान चावल उठाने के लिए मना कर दिया, ये परेशानियां बनी है, अब वो चावल उठाने के लिए दे दिया, तो आज की स्थिति को अगर हम सोचें तो निश्चित रूप से जो है भाजपा के विपक्ष में जा रही बात, इन लोगों ने कुछ न कुछ रणनीति ऐसी बनाई होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में आप देखेंगे। चलिए मुद्दे अपने प्रवक्ताओं से एक छोटी छोटी टिप्पणियां ले लेता हूँ, फाइनल टिप्पणी मुकेश जी, कुछ भी हो एक परसेप्शन किसानों के बीच बन रहा है कि केंद्र ने मामला अटकाया है, और सच क्या है झूठ क्या है तो सामने आएगा, लेकिन एक परसेप्शन फिलहाल ये सेट हो रहा है। बिल्कुल नहीं है अभिषेक जी, मैं आपको बताऊं, क्या राजीव न्याय योजना का नाम देके ये जो पैसा दे रहे थे वो दे पाए? चौथी किस्त क्या भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया? एक किसान का अमानक धान होने के कारण धान खरीद नहीं करते और उनका हार्ट अटैक होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया? नकली दवा छिड़कते और फसल खराब हो जाती है, किसान का आत्महत्या करता है, क्या भारतीय जनता पार्टी करवा देती? और यदि आपको धान खरीदी करना है तो धान खरीदी के लिए बारदाने की आवश्यकता होती है, मंडी में जगह चाहिए, एफसीआई में धान कैसे खरीदी जाएगी उसकी व्यवस्था चाहिए, क्या ये आप धान खरीदी शुरू होने के बाद में व्यवस्था करेंगे? तो कहीं ना कहीं कुप्रबंधन है, और बाबूलाल जी राजनीति है, विपक्ष की भूमिका में हम आएंगे, लेकिन किसानों के हित की बात ठीक हम हमेशा करते करते रहेंगे। किसानों के बीच सरकार में 1415 रुपए अपनी बात रखना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, जैसा कि बाबूलाल जी कह रहे हैं भाजपा आने वाले समय में और तीखे तेवर के साथ आगे बढ़ेगी और एग्रेसिव होगी, जैसा निर्देश मिला है, कैसे किसानों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे? विपक्ष और एग्रेसिव होता चला जाएगा। देखिए अभिषेक जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के शपथ ग्रहण के बाद जब हम पहली बार किसानों को 2500 की कीमत दिए, उस दिन से लेकर आज तक लगातार भाजपा के नेता किसानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मजदूरों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का किसान भली भांति जान गया समझ गया है। भाजपा नेताओं का चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक हो, चाहे इनके 9 सांसद हो या केंद्र में बैठी श्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो, छत्तीसगढ़ किसान समझ चुका है कि ये किसान विरोधी लोग हैं, किसानों के आर्थिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करने वाले लोग हैं, ये पूंजीपतियों के एजेंट हैं, और इनके झूठ फरेब, इनके मनगढ़ंत बात पर, इनके गुमराह करने की नीति पर छत्तीसगढ़ किसान नहीं आएगा। आज तो किसानों ने और जान गया कि वाकई में एफसीआई के अनुमति न देकर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान खरीदी को अवरोध उत्पन्न करने का काम किया है, और इसके पीछे डॉक्टर रमन सिंह धर्मनाथ कौशिक हैं और भारतीय जनता पार्टी है जो किसान विरोधी है, ये स्पष्ट हो चुका है, इनके झूठ फरेब जनता जान चुकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत अहम चर्चा है, चर्चा इसलिए भी अहम है अन्नदाताओं की बात क्योंकि है, समस्याएं लगातार आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, धान खरीदी में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, राज्य और केंद्र के बीच कई बार तनाव की स्थिति बनती दिखती है, और पक्ष विपक्ष तो एक दूसरे को लेकर एग्रेसिव है ही, इन तमाम चीज़ों के बीच किसानों का क्या होगा ये अब तक एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि दिक्कतें
दूर कैसे होंगी और कब होंगी? आज का मुद्दा मैं